हेलो दोस्तों, मैं सम्राट सर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बीएड की स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपको कितनी राशि मिलेगी। अगर इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यहां पर जो न्यूज है इस प्रकार है, बीएड एमएड स्टूडेंट के समान कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वे इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी का है तो उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। यह स्कॉलरशिप हर राज्य के आदिम जाति कल्याण विभाग के जरिए दी जाती है। 20 मार्च तक इसके लिए आवेदन लिया गया था, अब जो है इसकी तिथि समाप्त हो चुकी है। सत्र 2017-18 के लिए एनएसपी पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 20 मार्च तक इसके लिए आवेदन लिया गया था, लेकिन अब इसकी तिथि समाप्त हो चुकी है। अब जो है 2018-19 के लिए आवेदन लिया जाएगा। कितनी मिलती है स्कॉलरशिप? ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को 5,000 और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हर स्टूडेंट को अपनी बैंक डिटेल भी मुहैया करवानी होती है और स्कॉलरशिप सीधे संबंधित स्टूडेंट के बैंक खाते में आती है। इसके बारे में और अधिक जानिए कि एप्लीकेशन फ़ी, इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाता है और स्टार्टिंग डेट जो था इसका 8 फरवरी 2018 था और लास्ट डेट फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 20 मार्च 2018 तक इसके लिए आवेदन लिया गया। और यहाँ पर देखिए कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू स्कूल या इंस्टीट्यूट 31 मार्च 2018 है। 31 मार्च 2018 तक जो भी स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं इस पोर्टल पर, वे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर देखिए कि एज लिमिट, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ईयर में एडमिशन लिए हैं तो आप ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम का मार्कशीट का डिटेल भरेंगे और अदर सर्टिफिकेट में जिसका स्कैन कर अपलोड किया जाएगा उनको भी जान लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद हो गया इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, फी रिसिप्ट, आधार कार्ड नंबर, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज स्कैनड फोटोग्राफ। स्कॉलरशिप लेने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहे, इसके पदाधिकारी से संपर्क करते रहे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भविष्य में इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।